आज मैं बताऊंगी कि धन में वृद्धि किस तरह से हो सकती है, धन की वर्षा आपके घर पर कैसे होगी, किस तरह से आप सेविंग्स करेंगे और किस तरह से कौन कौन से छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने घर में धन के स्थान को मजबूत करेंगे, धन की लगी हुई कोई परेशानी चल रही है तो वो आपके जिंदगी से समाप्त होगा, लोन्स आपके चुकने शुरू होंगे, धन का आगमन होता ही चला जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा कि किस तरह से आपने प्रोग्रेस का हाथ थाम लिया है, उन्नति का हाथ थाम लिया है। माता लक्ष्मी का आपके घर पर वास है, कुबेर महाराज की कृपा आपके ऊपर है, मेरे परिवार के जितने लोग मुझे देख रहे हैं, चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं से भी देख रहे हो, आप सभी के घर में माता लक्ष्मी का वास हो, आप सभी के घर में कुबेर जी का वास हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, आपकी धन की समस्याएं दूर हो जाए, जिंदगी में जो चाहिए, जो कामयाबी चाहिए, यश चाहिए, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वृद्धि, जो जो चाहिए वो सब आपके जिंदगी में आ जाए। तो चलिए, इसके पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर अभी तक आपने हमारे यानी कि आपके और मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और याद रखें कि अपने कर्मों को ध्यान देना है, कर्मों पे आपको विशेष कर ध्यान रखना है, क्योंकि आपके कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो ज़िंदगी में परेशानियाँ खत्म होते हुए नजर आएंगी, आपके कर्म के द्वारा आपका भाग्य निर्धारित होता चला। तो इसके लिए करना क्या है, आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जो आप इजीली कर पाएंगे और आपको इससे सकारात्मकता मिलेगी, लाइफ में एक नया एनर्जी का संचार आपको दिखेगा और आप जो भी चीज़ें सोचेंगे उससे आप हकीकत में परफॉर्म कर पाएंगे, हकीकत में आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। तो चलिए, कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिस बारे में मैं आज बात करूंगी। सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि शुक्रवार को माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं हम आज का दिन, और माता लक्ष्मी ही हमें सबसे पहले चाहिए, क्योंकि धन ही एक ऐसी चीज़ है जिसे हर व्यक्ति चाहता है। इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपको जब भी सैलरी आती है, अकाउंट में आती है, अगर आप कहीं पर नौकरी करने जाते हैं तो, और दूसरी बात अगर आप व्यापार करते हैं तो भी, मोस्टली आजकल ट्रांजैक्शन डिजिटल हो गई है, लोग अभी आपको सैलरी हो, आपके पैसे, आपके फीस हो, आपको पेमेंट करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो चीज़ें क्या होती है कि घर पर पैसे नहीं आते, अकाउंट में पैसे आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बदलनी है कि आपकी सैलरी जितनी भी आए कम से कम कुछ पैसे अपने घर पर लाएं, किसी स्त्री को दें, माता है तो माता को दें, बहनों को दें, या फिर अपनी पुत्री को दें या अपनी वाइफ को दें, लेकिन लाकर स्त्री के हाथ में धन ज़रूर रखें। एक गुल्लक बच्चे के नाम का ज़रूर बनाएं, उसमें कुछ पैसे रखें, भगवान के स्थान पर आप कुछ पैसे वहाँ पर भगवान के नाम पर रख दें, कुछ पैसे दान दक्षिणा देने के लिए निकाल लें और उसके बाद अपने पैसों का उपयोग करें अपनी डेली लाइफ की नेसेसिटीज़ को पूरी करने के लिए। आपको दिखेगा ऐसा करने से कि धन में वृद्धि हो रही है और आपकी समस्याएं, धन से संबंधित समस्याएं दूर हो रही हैं। इसके अलावा आपको शुक्ल पक्ष में, जो भी शुक्ल पक्ष आता है उसकी जो शुक्रवार होती है उसको, उस दिन आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी को शंख से यानी कि दक्षिणावृत्ति शंख अगर आपके घर पर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो किसी भी पूर्णिमा में इसे आप खरीद सकते हैं, मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, मैं उसे अभिमंत्रित करके आपको दूंगी जो आपके बेहतर चीज़ों के लिए काम में आएंगे। आप उससे हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को जल छिड़काव करिए, अपने घर के कोने कोने में उस शंख का जल छिड़काव करें, आपके घर में जो सदस्य कमाने जाता है यानी कि अर्निंग मेंबर है उनको उस शंख का पानी थोड़ा सा पीने के लिए अवश्य दें, ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी को और विष्णु जी को शुक्रवार वाले दिन, किसी भी शुक्रवार को आप गुलाब के फूल अर्पण करना शुरू करें या कमल के पुष्प अर्पण करना शुरू करें, कमल का पुष्प नहीं संभव तो गुलाब का फूल की माला चढ़ाएं, हार चढ़ाएं, हार चढ़ाने से ज़िंदगी में कभी आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा ऐसा कहा जाता है। अगर हार संभव नहीं, आपका बजट अलाउ नहीं कर रहा है तो गुलाब का एक एक पुष्प चढ़ा दें विष्णु जी लक्ष्मी जी को, अगर वो भी संभव नहीं है तो गुलाब का इत्र लगाएं, गुलाब जल से छिड़काव करें, गुलाब वाली अगरबत्ती या धूप जलाएं, ऐसा तो आप कर ही सकते हैं। इसको करने से शुक्रवार वाले दिन घर में धन की वृद्धि होती है। आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, जो भी पुरुष कमाता है अपनी माता से एक चांदी का सिक्का लेकर अपने पर्स में
किसी भी पूर्णिमा वाले दिन अगर आप आपकी माता को कहते हैं कि गिफ्ट कर दो मुझे, तो आप गिफ्ट लेके रखते हैं तो इसमें आपकी धन की वृद्धि होती है। इसके अलावा दो जो भी व्यक्ति अपने घर पर, जो भी महिलाएं अपने घर पर रसोई घर में सोने के पहले चांदी के बाटी में या चांदी के दीपक में थोड़े से पीले सरसों में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डाल के अगर उसको प्रज्वलित करते हैं, और ये कभी करना है जब आपकी रसोई घर बंद हो चुकी हो, जब आपको गैस ऑन नहीं करना है, जब आपकी रसोई में कोई जूठे बर्तन नहीं है, फिर इस काम को सोने के पहले कर सोए। आप देखेंगे कि कभी भी आपके घर में धन के भंडारे, अन्न के भंडारे कभी नहीं खाली हो सकते। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार है, बीमारी में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप हर रोज श्रीम मंत्र का उच्चारण कम से कम 108 बार कमल गट्टे के माला में, या फिर स्फोटिक का माला जो कि ओरिजिनल स्फोटिक होना चाहिए, मेरे गले में भी आप देख रहे हैं मैं हमेशा ऐसे पहनती हूँ, आप चाहे तो मुझसे ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप खुद भी कहीं से जाके ले सकते हैं। स्फोटिक के माला में श्रीम मंत्र का उच्चारण करिए, माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र बीज मंत्र का उच्चारण करिए, या फिर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करिए, जो भी आपको सही लगे जाप करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होना ही होना है। हर पूर्णिमा को या हर शुक्रवार को अगर संभव हो तो कनक धारा स्रोत का या तो पाठ करें या तो सुन लीजिए। ऐसे सुनने मात्र से भी उसकी वाइब्रेशन से आपके घर में धन की ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसके अलावा आज आपको क्या करना है, आपको अगर आपके घर में धन की वृद्धि चाहिए, आपके घर में ऑफिस है या आपके ऑफिस अलग है, तो भी क्रिस्टल का एक कछुआ लेकर उसको ऐसे बैठाए कि उसकी पूंछ जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में हो, आप देखेंगे धन में वृद्धि होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा पारस का शिवलिंग आप अपने घर पर ज़रूर स्थापित करें, उसमें गन्ने के रस से अभिषेक करें, इत्र से अभिषेक करें, गुलाब जल से अभिषेक करें, अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चीज़ों से भोलेनाथ के अभिषेक करने से भी धन की समस्या से मुक्ति मिलती ही मिलती है, धन धान में वृद्धि होती ही होती है। इसके अलावा आपको जब भी नए वस्त्र पहने, नए कपड़े खरीदे, नया सामान खरीदे, तो पीपल के वृक्ष के पास जाइए, गिरा हुआ कोई भी पीपल का एक पत्ता उठाकर लाइए, तीन बार गंगा जल से छिड़काव करिए नए वस्त्र पर, नए सामानों पर, नए चीज़ों पर। आप देखेंगे कभी भी उस चीज़ को पहनने के बाद या उस चीज़ को यूज़ करने में आपको शुभता ही शुभता होगी, अच्छे न्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। अच्छे न्यूज़ के लिए एक खास काम आप और कर सकते हैं, किसी भी शुक्रवार वाले दिन चौरस्ते में जाइए, रात को जब सारे लोग सो जाए उस वक्त जाकर चीनी फेंक कर वहाँ पर चले आइए, अपनी मनोकामना कहते हुए चारों दिशाओं से आपको गुड न्यूज़ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपको व्यापार वृद्धि के लिए आप चाहे तो हत्था जोड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, सियार सिंगी का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्ली की जेर का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो तीनों चीज़ें मैंने बोला है ये आप मुझसे ले सकते हैं, चाहे तो कहीं से भी लीजिए, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए और उसको भी मंत्रित करवा के हम लोग देते हैं, उसे स्थापित करिए। पैसों में लॉस कभी आपका हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकती कि पैसे में आपका बरकत ना हो। इसके अलावा आपको रात्रि के समय चावल दही और प्याज खाने से बचना चाहिए। इन तीन चीज़ों को जो भी लोग रात्रि के समय ग्रहण करते हैं उनके घर में लक्ष्मी जी सदैव वास नहीं करते, इसलिए इन तीन चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं, जब भी पैसे आपके पास आए, नोट आए, उसे अपने हाथों में लीजिए, दोनों हाथों से उसको रब करिए, आप देखेंगे एक अलग किस्म का गर्माहट आपके हाथ में आ जाएगा। ये जो गर्माहट है ये यूनिवर्स की एक ऊर्जा है, पैसों की ऊर्जा है जो आप अपने आप में फील करेंगे और उससे लेकर अपने फेस में इस तरह से लगाएंगे, चीज़ें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से वृद्धि होना शुरू हो जाती है। पर्स में चिल्लड़ को अलग रखिए, नोटों को अलग सजाएं, अलग अलग करेंसीज को अलग अलग सजाएं। अगर आप एक साथ चिल्लड़ और नोट रखेंगे तो चिल्लड़ के भाव में नोट भी खर्च होना शुरू हो जाएंगे। आपके पर्स में एक कम से कम पीली कौड़ी, एक गोमती चक्र आपको रखने ही रखने हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा रख लीजिए अपने पर्स में, ज़रूर से ज़रूर इसमें आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। हाथों पर रिस्ट में 741 ग्रीन पेन से लिखना चालू कर दीजिए, आपको पैसों में वृद्धि देखने को मिलेगी ही, अचानक से धन प्राप्ति के योग भी
बनना शुरू हो जाते हैं। आप जब नहाते हैं उस वक्त बोलिए कि मेरे शरीर से सारी नेगेटिविटी जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मेरे पास आ रहा है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पैसे सही जगह में यूज़ हो रहे हैं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, सारी बीमारियाँ दूर हो रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। आपको ऐसा बोलते हुए नहाना है। जब भी कुछ बोल कर या कुछ नहीं बोल सके तो ओम हन हनुमते नमः कहते हुए आप नहा लीजिए। ऐसा करने से आपके ज़िंदगी में से नकारात्मकता दूर होती है, चीज़ें जो बोलेंगे जो यूनिवर्स को देंगे वो रिटर्न आपको मिलना शुरू हो जाता है। आशा करती हूँ छोटे छोटे उपाय आपके ज़िंदगी में लाभ करेंगे और आपको दिलाएंगे धन ही धन, धन की वर्षा होगी आपके घर पर। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।